तो बड़ी खबर इस वक्त, पीएम मोदी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर। पीएमओ में उनकी मौजूदगी काफी वक्त से बताई जा रही थी और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है, पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो तीसरी बार पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला है बतौर प्रधानमंत्री, उन्होंने अब पद ग्रहण कर लिया। बीज बांटे जाएंगे, इसलिए पीएम ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में किसान और किसानों के हित में जीवन बदल देगी और मोदी सरकार का यह पहला फैसला दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस किस तरफ रहेगा। और पीएम ने भी एक बयान जारी करके ट्वीट करके भी कहा। अमिताभ जी, अब चूंकि पदभार ग्रहण कर लिया है और अब यहीं से इस तीसरे टर्म की लिए आगे का विजन, उसके लिए जिस रोड मैप की चर्चा उन्होंने पहले से सोच रखी थी कि क्या कुछ करना है, 100 दिनों का एजेंडा क्या है, उस एजेंडे को कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद 5 साल का रोड मैप क्या होगा, इन तमाम जो पर चर्चा जो है उनकी तरफ से बार बार की जाती रही है। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, 2014 में जब पहली बार मोदी 1.0 जब पदभार ग्रहण करते हुए वो नजर आए, 2019 ये दूसरा उनका टेन्योर, दूसरा कार्यकाल 2.0 के जरिए, और उनकी तरफ से नमन किया गया और पदभार ग्रहण करते नजर आए। और तीसरी बार 2024 में इस बार एक बार फिर से पदभार ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अमितेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये क्षण भी अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है, तीसरी बार पदभार ग्रहण करते हुए अब उनका एक्शन मोड जो है वो साफ तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। यह बिल्कुल तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है और अभी इससे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर के अपना पद संभाल लिया है। तो कैबिनेट का जो कल गठन हुआ, मोदी मंत्रिमंडल का कल शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया और उनके अलावा 30 कैबिनेट मंत्री थे उसमें। तो निश्चित रूप से आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है शाम में, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जाकर के अपना कार्यभार संभाल लिया है। और एक बार फिर से जैसे परंपरा के मुताबिक हमेशा होता है, नरेंद्र मोदी कभी रुकते नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और अब आज शाम कैबिनेट की बैठक है, उसके पहले किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए जाने की बात कही जा रही है कि जो पहला उनकी तरफ से कार्य किया गया जो बड़ा फैसला, और उस फैसले में किसान निधि की जो फाइल थी उस पर उनकी तरफ से हस्ताक्षर किया जा रहा है। यानी कि जो हमेशा से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा से किसान, गरीब, युवा, महिलाएं जो रही हैं, उनकी शुरुआत एक बार फिर से उसी की तस्वीर नजर आती है। यहाँ बिल्कुल उनके अगर लिस्ट में देखें, प्रायोरिटी लिस्ट में, तो किसान, महिला, युवा, गरीब हमेशा से रहते हैं सबसे पहले। और आज तीसरी बार जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद अगले दिन जब कार्यभार संभाला, तो सबसे पहला जो फैसला रहा वो किसान सम्मान निधि जो है उसकी राशि को जारी करने का फैसला किया गया है। तो निश्चित रूप से ये 17वीं किस्त है उसको जारी करने का फैसला हुआ है, तो निश्चित रूप से बड़ा कदम है और पहला कदम है तीसरे बार के कार्यकाल में। तो ये दिखाता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता में किसान सबसे ऊपर है और यही एक संदेश देने की इसमें कोशिश भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां पर तीसरी बार पदभार ग्रहण करते नजर आए नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से जो पहला फैसला, पहला कदम जो उठाया गया है, हालांकि इसे कहेंगे कि कंटिन्यूटी थी जो उनकी तरफ से पहले से की जा रही थी, किसानों का हित उनकी प्राथमिकता, और इसीलिए किसान निधि सम्मान जो फाइल है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और एक तरीके से श्री गणेश जो है तीसरे टर्म की कर दी गई है।